भाई हम तो सिपाही हैं, और पार्टी का जो कप्तान होता है ना, वो जहां भेजे, जिस मोर्चे पे भेजे, वहां जाके काम करना है। इसलिए हमारे लिए कोई अलग से कोई विशेष बात कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमको यहाँ राज्यसभा में भेजा तो हम वहां काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया है तो हम वहां काम करेंगे। सिपाही हैं हम, हमारी खुद की तो इच्छाएं कुछ नहीं होती है। जो कप्तान निर्देश देता है वही हमारी इच्छा है। पार्टी ने जो हमसे उम्मीद रखी है, हम सबका साथ, सबको साथ में बिठा करके, निर्णय करके, और उन उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। और साथ में बैठ करके जब सामूहिक निर्णय होता है ना, तो कहीं दिक्कत होती नहीं है। अकेला कोई निर्णय करेगा तो दिक्कत होती है। साथ में बैठ करके, उनको भी साथ में लेकर के, और चर्चा करने के बाद कोई फैसला करेंगे तो कहीं दिक्कत आने की बात ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस ने भ्रम पैदा किया और थोड़ा वो भ्रम का असर हो जाता है। उन्होंने तुष्टिकरण अपनाया, जातियों को तोड़ने का काम किया, एक जाति को दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम किया। कांग्रेस ने संविधान समाप्त कर देंगे ऐसा करके एक भ्रम पैदा किया, आरक्षण को समाप्त कर देंगे ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत असर हो जाता है, लेकिन हम उसको मिटा देंगे। शानदार बजट, केंद्र का बजट भी बहुत बढ़िया और राज्य का भी बजट बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि बहुत समग्र विकास की दृष्टि से इतना बढ़िया बजट दिया है कि आम आदमी का जीवन स्तर निश्चित रूप से ऊंचा उठाएगा, मजबूत होगा।